बोर्ड्स नीट। देखो यार, अभी सभी को अपने बोर्ड्स के लिए भी प्रिपेयर करना है, नीट के लिए भी प्रिपेयर करना है, अपने उन फैमिली कंडीशन, अपने उन फैमिली प्रॉब्लम्स, अपने उन मेंटल हेल्थ, मेंटल इश्यूज से भी लड़ना है। देखो, सिंपल सी बात जान लो, इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव महेंद्र सिंह धोनी, इंडिया के मिसाइल मैन, उन्हें भी बहुत सारी स्ट्रगल से गुजरना पड़ा था, तब जाकर के वो सक्सेसफुल हुए थे, तब जाकर के वो वर्ल्ड कप लाए। एंड दैट फेज इज कमिंग इन योर लाइफ, तुम्हें भी लड़ना होगा, तुम्हें भी वो सब चीजें फेस करनी होगी, बस अपने कुछ आदतों को सुधारने के साथ। तो चलो शुरू करते हैं। सो हे एवरीवन, दिस इज योर आशीष भैया एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस प्यारा सा चैनल कंटेंट हाइक। आज मैं ज्यादा मोटिवेशन बातें नहीं करूंगा, मैं सिंपली तुम्हें कुछ रियलिटी से रूबरू कराऊंगा। देखो, सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर सभी को, न्यू ईयर आ गया एंड सबने मस्त रिजोल्यूशंस लिए होंगे। रिजोल्यूशंस को तुमने लिख करके पेपर पे अपने वॉल पे सामने चिपका दिया होगा जहाँ पे पढ़ते हो। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ तुमसे, क्या तुमने जो लास्ट ईयर रिजोल्यूशंस लिए थे वो पूरे करे तुमने? क्यों नहीं करे? सिंपल सी बात बताता हूँ तुम्हें, तुम हर बार एक नई स्टार्ट करते हो, हर बार तुम एक नया शेड्यूल बनाते हो, हर बार तुम एक नया प्लान बनाते हो, बट एट लास्ट तुम्हें कुछ नहीं मिलता। क्यों? कभी पूछा है खुद से? आज पूछ कर देखो। एक बात तुम अपने दिल से पूछो कि क्यों जो तुमने लास्ट ईयर रिजोल्यूशंस लिए थे वो तुमने पूरे नहीं करे। एक बात तुम अपने दिल से पूछ कर देखो, क्या तुम क्यों तुम्हारा हर बार प्लान फेल होता है? एक बात अपने दिल से पूछ कर देखो कि जब तुम हर बार शेड्यूल बनाते हो तो क्यों वो फॉलो नहीं हो पाता तुमसे? अब मैं बताता हूं क्यों नहीं हो पाता तुमसे। इसका मेन रीजन है तुम और तुम्हारी एक्सक्यूजेस। प्रॉब्लम्स हर किसी के लाइफ में आता है, अप डाउन हर किसी के लाइफ में आता है, बट कुछ सक्सेसफुल हो जाता है और कुछ तुम्हारी तरह हमारी तरह ऐसे ही घूमता फिरता रह जाता है। सिंपल सी बात है, तुम जितना अपने प्रॉब्लम्स को एक्सक्यूजेस की तरह बनाते रहोगे और जो तुम गलतियां कर रहे हो उसे तुम ध्यान नहीं दोगे, अपनी मिस्टेक्स की जगह तुम एक्सक्यूज दोगे, एक्सेप्ट करना सीखो, मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करना सीखो, तभी तुम एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हो। ऐसे ही सब नहीं मिलता, उसके लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। तुम जो कर रहे हो, नीट कर रहे हो या बोर्ड कर रहे हो, बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, उसके लिए बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, या फिर किसी भी चीज के लिए। अगर तुम्हारा एक प्लान है जो कि हर बार फेल हो रहा है तो उसके पीछे का कारण ढूंढो। तुमने बड़े बड़े अक्षरों में तो लिख लिया कि मुझे एक साल के अंदर ये चीजें कर लेनी है, क्या तुमने वो चीजें लिखी कि मुझे अपनी ये मिस्टेक्स को सुधारनी है? क्या तुमने वो अपने दिल से पूछा कि क्यों तुम ये नहीं कर पाए लास्ट ईयर? तो सबसे पहले तो तुम अपना हैबिट सुधारो कि क्यों नहीं कर रहे तुम, क्यों नहीं कर पा रहे तुम, अपने मैनर्स को सुधारो। तुम आज दिल से पूछो कि क्यों नहीं हो पाया। सबसे पहले तो एक्सक्यूज बनाना बंद करो, हर प्रॉब्लम को एक्सक्यूज मत बनाओ, प्रॉब्लम से फाइट करना सीखो। हर बात पे तुम एक एक्सक्यूज देते हो, ये बंद करो और दिल से पूछो कि क्यों नहीं हो पाया, और वो सब एक पेपर पे लिखो और ट्राई करो कि वो ना हो। अगर तुम्हारा कंसंट्रेशन नहीं लग रहा है पढ़ाई में, मेडिटेशन स्टार्ट करो, बेस्ट दवाई है। अगर तुम्हारा मन नहीं लग रहा तो पता करो डिस्ट्रैक्ट कहां हो रहा है, वो चीजें दूर करो तुम अपने आप से। टॉक्सिक लोगों को दूर करो अपने लाइफ से, हर एक चीज को दूर करो जो तुम्हें मंजिल तक से रोकेगी। सो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके बाय, लव यू ऑल, ऑल द बेस्ट, मिस्टेक्स सुधारो, एक्सक्यूजेस मत बनाओ, ओके बाय, सब्सक्राइब कर लेना यार चैनल को, बाय बाय, लव यू ऑल।